बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। चाइना जैसी बड़ी मेशर को भी तबाह करके रख दिया इस कोरोना वायरस ने। अब बात की जाए इसके आउटब्रेक की, तो पता चलता है कि जो फर्स्ट केस पूरी दुनिया में जो सामने आया था वो चाइना की सिटी वाना में एक केस सामने आया था 31 दिसंबर 2019 को। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि चाइना में जो फर्स्ट केस कोरोना वायरस का अपीयर हुआ था वो 17 नवंबर 2019 को हुबाई प्रोविंस में एक 55 ईयर्स ओल्ड बंदे में कोरोना वायरस की अपीयरेंस हुई थी। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से चाइना ने ये बात किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं की। लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स ही हैं, अब इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन सी रिपोर्ट को सही लेते हैं और कौन सी रिपोर्ट को आप गलत साबित करते हैं, ये सब आप पे है। अब बात की जाए कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है। उसमें से मर्स वायरस भी है, सारस वायरस भी है, और जो अभी रिसेंटली ये जो पूरी दुनिया में जिसने तबाही मचाई है वो कोरोना वायरस है, जो पहले कभी भी किसी ने इसी तरह नहीं देखा और ना ही इसकी कोई ऐसी चीज़ें सामने आई जिसे पता लगे कि ये कोरोना वायरस है। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहा है, हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बनकर उभरा है। अब जो पहले 2003 में एक सारस नाम के वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, ये अगर इसका क्लिनिकल नाम देखा जाए तो जो इसका क्लिनिकल नाम है वो है सारस COV-19। सारस का जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। फर्स्ट जो था वो 2003 में उसका आउटब्रेक हुआ था, उसी वजह से इसको नाम सारस COV-2 दिया गया है। अब आ जाते हैं इसके साइन सिम्टम्स में, इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दें तो आप फौरन मेडिकल हेल्प लें। जो सिम्टम्स है उसमें फीवर हो गया, रनी नोज हो गया, उसके साथ साथ कफ हो गई, थ्रोट पेन हो गया, उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे मेडिकल लैंग्वेज में SOB कहते हैं वो हो जाए। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं सीवियर केसेस जिसमें पेशेंट नमूनिया की तरफ भी चला जाता है, उसके साथ साथ पेशेंट किडनी फेलियर में भी चला जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, उसके साथ साथ पर्सन किसी के ड्रॉपलेट्स वगैरह जो स्नीज करता है उसके वजह से भी ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी ने स्नीज किया तो अमूमन ये होता है कि बंदा स्नीज करता है तो वो हाथ अपने मुंह पे ऐसे देता है, तो अगर वो पेशेंट कोरोना वायरस का है तो जो उसने स्नीज किया वो उसके हाथ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं गया तो उसने वहाँ पर हाथ रख दिया ऐसे, तो आप में से कोई भी वहाँ से गया तो उसने उस पर ऐसे ही हाथ रखा, तो क्या हुआ वो उसमें से उस बंदे में ट्रांसफ़र हो गया। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने जो पढ़ा है कुछ उसमें ये था कि जो ये हाथ में तकरीबन इसका टाइम है 5 मिनट तक हाथ में रह सकता है, और उसी दौरान ही अगर उसी बंदे ने जिसको ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे बंदे से अगर उसी ने वो हाथ मुंह में रख दिया यहाँ पर रख दिया तो उसके ट्रांसफ़र हो सकता है, चांसेस हैं कि उसके मुंह में मुंह के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि वो कौन सी एज के बंदे हैं जिनको अगर लग जाए तो ये काफ़ी रिस्क है उनके लिए और उनके लिए ज़्यादा डेंजर है एज़ कम्पेयर टू अदर ह्यूमन बींग्स। तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, और उसके साथ साथ वो लोग जिनकी एज 50+ है, जो अबव 50 है उनको भी ये वायरस अगर लग जाए तो ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा डेथ रेशो भी उसमें ज़्यादा बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ वो लोग जिनको डायबिटीज़ मलाइटस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा नुकसानकार हो सकता है, साबित हो सकता है, और उसी कंडीशन में भी ये इनका डेथ रेशो बढ़ जाता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो अगर हम वो लें तो इस वायरस से हम खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। उसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश हैंड प्रॉपरली, उसके साथ साथ हमें अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके साथ हम थोड़ा डिस्टेंस कायम रखें, कम से कम डिस्टेंस 6 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे स्नीज करें, ये भी टेक्निक्स हैं। टिश्यू का प्रॉपर यूज़ किया जाए ताकि जो अगर किसी पेशेंट में कोरोना वायरस है तो उसके हाथ के थ्रू किसी और बंदे में ट्रांसफ़र ना हो। उसके साथ साथ हम थोड़ी ये भी प्रिवेंशन करें कि पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी ना थूकें, जिससे एक तो ये मॉरली भी अच्छा नहीं लगता और उसके साथ साथ अभी जो ये वबा चल रही है इसमें तो ये हमारे लिए एक हमारे लिए फर्ज बन गया है कि हम चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएं। अगर आप बीमार हैं या आपको कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो आप बेहतर यही है कि आप अपने घर में रहें और कोशिश करें कि ऐसे कहीं तकरीबात वगैरह में ना जाएं जहां पर ज़्यादा क्राउड मौजूद हो। जहां पर ज़्यादा क्राउड होगा वहां पर रिस्क है कि आप भी अपने आप को कोरोना के हवाले कर सकते हैं। तो ये अब किसी इंडिविजुअल का फ़र्ज़ नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इसका सब एक साथ होकर इसका मुकाबला करें। एक साथ मतलब कि अपने घर में ही रहकर ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं और ऐसा ही हमें करना चाहिए। ये अब ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, अब सारे जो भी होगा जो भी इसके नताइज निकलेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। आप जो भी करेंगे, जो चीज़ें आप करेंगे वो आपके हाथ में है। अब ये आप पे ये है कि आप इस वायरस को प्रिवेंट करते हैं या स्प्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। हमारे जिस्म में एक नेचुरल सिस्टम है इम्यूनिटी का, जो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाए तो हमारे जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स हैं वो उससे फाइट करते हैं और उसको वहीं पर किल कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें तो भी आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च बताती है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे रात में नींद करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जब नींद पूरी होती है तो आपके जो साइटोकाइन्स है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और वो ज़्यादा और हेल्दी वे से ज़्यादा फाइट करते हैं उन वायरसेस और बैक्टीरिया के सामने। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी साइटोकाइन्स है वो कम तादाद में रिलीज़ होंगे, साइटोकाइन रिलीज़ नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक काम करेगी। उसके साथ साथ आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी में आप ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरी में 70% तकरीबन विटामिन सी होता है, वो आप ले सकते हैं, वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ आपको कोशिश करें कि जितना हो सके शुगर से दूर रहें। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएँ, इससे इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और उसमें इतनी सलाहियत है कि कोरोना वायरस को वहीं पर मार सके। आज हम जिस वक्त से गुज़र रहे हैं ये यकीनन सबके लिए एक मुश्किल मकाम है। इसमें हमें चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हो जाएं और जो वो एफर्ट्स कर रही है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है उनको फॉलो करें। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद भी प्रिवेंटिव मेजर्स लें और दूसरों को भी गाइड करें। इससे ये हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है इसमें कमी आ सकती है और हम इससे जितना जल्दी हो सके जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू।